हाँ तो गए, क्या मैं बता दूँ, अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा घाटा वाला अभी जो हो रहा है ना सीएस, यार सीएस मामा जो घाटा ले रहा है। ब्रांड है, नाम नहीं ब्रांड है। बोलो बोलो, ये सीएस माधो जो नाम है ये नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड एक प्रकार है। सुनने में यार अगला साल का जो सबसे रिकॉर्ड वाला तोड़ था वो था 45 घंटा का, लेकिन इस बार ये सिर्फ 50 घंटा ले रहा है। सब सब मतलब जितना है सब, जितना है वो सब लेना चाहता है। जितना काटा है सब में जितना काटा है पता दिया जाएगा उस पद की रहेगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला सीएस माधो पूरा क्यों काटा, वो क्यों काटा 52 को 52 काटा। अभी तक का सबसे ज्यादा काटा लेने वाला यार सीएस, ये नाम नहीं ब्रांड है। देखो यार अभी तक का सबसे टॉप पर या सबसे ज्यादा मतलब 52 काटा ये ले चुका है, और इतना धक्का मुक्की हो रहा है कि क्या ही बताऊँ आपको, मेरे इतना ज्यादा धक्का मुक्की है कि ठीक से वीडियो लेने की मेरे को जगह नहीं मिला है। जो क्या कर रहा है तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि आपको फुल वीडियो दिखा सकूँ मेरे साथ, और इधर से ही आने वाला है सीएस माधो जो कि
देख सकते हैं हम अभी है रामपारपुर के भोक्ता पर्व जहाँ पे होता है भोक्ता मेला, वहीं पे हम लोग हैं और हमारे साथ है देख सकते हैं इस साल के सबसे टॉपर मतलब सबसे ज़्यादा काटा लेने वाले व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा काटा लेके नंबर वन पे है उनका नाम है प्रदीप मोदी, आप देख सकते हैं यही है। और दूसरे नंबर पर हमारे जो सी एस महतो जो कि कुर्तीबाग से आते हैं और ये भी यही क्या है देख सकते हैं ये सामने है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा एहसास हो रहा है इतना ज़्यादा काटा लेने के बाद। तो सबसे पहले आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप जो हर साल इतना काटा बढ़ाते ले रहे थे कि अगले साल के तौर पर आप थे, अगले साल तो आपने काटा लिया नहीं था, तो इतना ज़्यादा काटा लेने का मकसद क्या है आप लोगों का? मकसद इतना है एक जिसे लेते हैं हम लोग जो हुची बोलते हैं भक्तिभाव से लेते हैं। देखिए कहने का ये हो कि रामपालपुर में पहले काटा नहीं था, कम से कम 10 जोड़ा 20 को 21 में काटा था, यहाँ उपभोक्ता के लिए बहुत कमी हो जाता था। तो अभी इतना सारा काटा बनवा दें कि काटा होगाने वाला कोई है नहीं, है तो दो प्रदीप मोदी और सी एस महतो तो दिखा दिए बाबा का दुआ से, भोलेनाथ की दुआ से, पार्वती कुमार का आशीर्वाद से और जितना भी जनता है जितने भी पब्लिक है सब इसी के आशीर्वाद से। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे इतना भीड़ होता है, सबसे ज़्यादा भीड़ तो आप ही दोनों को देखने के लिए होता है, मतलब आप दोनों का भोक्ता घुर गया उसके बाद भीड़ धीरे धीरे पूरा घट जाता है। लेकिन एक चीज़ बताइए मुझे जो सच्चाई है वो बताइएगा, आप दोनों ने जो इतना ज़्यादा काटा लिया डॉक्टर कैसा सच बताइए? हम लोग को कुछ नहीं होता है, तो इतना इतना लेते पड़ते नहीं ले पड़ते। देखिए दर्द हर चीज़ में मानस के वो काटा भी चुप जाते दर्द, वही तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा सुई चुप जाता है तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कोई माँ का जो चुप गया इतना जो लगता है। लेकिन आप लोग अपना बॉडी में आप बचपन काटा लिए, आप टीशर्ट काटा लिए, इतना ज़्यादा काटा आप बॉडी में चुभाते हैं, ऊपर से आपने तो साइकिल भी घुमाया दो नहीं एक साइकिल घुमाया, तो क्या पता है बोलिए कैसा लग रहा है? आज तक जितना अगर दर्द भी होता इतना दर्शक बंधु को देख कर बहुत उसका दर्द कहाँ भाग जाता है तो पता नहीं चलता है। भोलेनाथ के कृपा आशीर्वाद से इस साल हम लोग का लास्ट अंतिम था, हम लोग सब सोचिए कि हम लोग यही साल लास्ट हो गया और अगले साल आने वाला जो हम लोग को सपाटी है दोस्त हैं जो युवक पीढ़ी है वो सब आगे बढ़ाएगा, हम लोग का इस साल बाबा भोला आशीर्वाद से इस साल हम लोग का लास्ट। मतलब आपका कहना है कि इस साल से आपका संन्यास, अगले बार से आप नहीं करेंगे संन्यास, मतलब है कि परब करेंगे काटा नहीं माध्यम से अगर कोई चीज से काटा पार कर दिया रुको ना फिर आप भाई ने आपको गलत नहीं बीच में जाएगा गलत। तो जहाँ तक मुझे पता है मैं जहाँ तक जानता हूँ इस पूरे धनबाद एरिया में यहाँ से ज़्यादा काटा मैंने आज तक कहीं सुना नहीं है कि किसी दूसरे भोक्ता पर्व में लिया जाता है। बात आप सही बोल रहे हैं, सही बार बोल रहे हैं, आज तक हम भी नहीं सुने, आज तक नहीं हो जो 12-13 साल हो गया आज तक कभी नहीं सुने कितना काटा ले रहा है। हम लोग तो एक बचपन से देख रहे हैं, हम लोग पैदा नहीं हुए हम लोग देख रहे हैं। चलिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि रामपालपुर में ऐसे भक्ता है जो श्रद्धा भाव रखते हैं और सबसे ज़्यादा काटा लेते हैं। तो चलो इतने बात ही में एक बात नोटिस की है, लोग बोले कि हम लोग से बढ़ करके कोई अगर काटा ज़्यादा लेंगे तो फिर से हम लोग काटा। हाँ ये चीज़ तो हम नोटिस किए हैं, मतलब इनसे आगे अगर कोई बढ़ता है तो ये मैदान में फिर से आएंगे, फिर से बताएंगे कि हम लोग से आगे कोई है नहीं। अगर कोई 100 की ढुकाएगा तो अभी 101 दोनों पार करेंगे पार कर। मतलब इन दोनों का खुला चेतावनी है कि हम लोग को कोई भी हरा दो हम तुमको फिर से हरा देंगे, ये खुला चेतावनी है। रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए नहीं, अभी तक खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते आ रहे हैं ये दोनों, सी एस महतो और प्रदीप मोदी
दोनों पार्ट पूरे से आते हैं, ये दूसरी बार टोला से आते हैं और ये आपका बड़ा टोला से आते हैं। तो चलिए बहुत खुशी हुआ ऐसे भक्ता को देख में, आप दोनों को देख में बहुत खुशी हुआ और आशा करता हूँ कि ये भक्ता बड़ा हमेशा इसी तरह चलता रहे और पूरे भक्ता को चर्चित रहे। फिर भी फिर क्या अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, इस तरह का नोटिफिकेशन मैं आपको देते रहता हूं, चैनल पे नए हो या तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टाटा और हाँ लाइक करके जाना, टाटा।